के बारे में जानकारी लेंगे, जिस कॉन्सेप्ट में आपको हेल्थ के रिगार्डिंग आपसे बातचीत की जाएगी। और साथ ही साथ आपको आज, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे भारतवर्ष में सबसे बड़ी समस्या आज उभर करके आई है, बीमारी और बेरोजगारी, है ना। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे, और जिस कॉन्सेप्ट के साथ हम बातचीत करेंगे उस कॉन्सेप्ट का, उस संस्था का नाम एक्सेलिपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जो है बीमारी और बेरोजगारी को खत्म करना। और जैसा कि आप जानते हैं, जब भी कोई इंसान बीमारी के ऊपर बातचीत करता है तो माइंड में एक सवाल उत्पन्न होता है कि जो इंसान बता रहा है वो कोई डॉक्टर तो नहीं है। लेकिन मैं पहले ही आप सभी को क्लियर करना चाहूंगा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। एज ए हेल्थ एडवाइजर, जैसा कि आप जानते हैं, बीमारियां दो प्रकार की होती है, एक डिजीज, दूसरा लाइफ स्टाइल डिजीज। आज आप सारे लोग को पता है कि एक डिजीज जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक लाइफ स्टाइल डिजीज होता है जो हमारे खान पान, जीवन शैली की वजह से होती है। आज हम उसी लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में आपसे बातचीत करेंगे स्लाइड बाय स्लाइड। ये हमारे संस्था के हेड ऑफिस जो कि द्वारका सेक्टर 17 न्यू दिल्ली के भीतर है, और इस संस्था की शुरुआत आज से 9.5 साल पहले 9 नवंबर 2014 को द्वारका सेक्टर 17 न्यू दिल्ली के भीतर किया गया। ये हमारे संस्था के डायरेक्टर हैं एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव कुमार सर, जो कि एक्स आर्मी पर्सन है। और जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी संस्था जब मार्केट में आती है तो कहीं ना कहीं उन्हें भारत सरकार के अंदर काम करना पड़ता है। उसके लिए बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है जो अपने पास अवेलेबल है ना। आज हमारे संस्था ने इतने कम समय के भीतर इतने अच्छे अच्छे कार्य किए, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे अवार्ड और रिकॉग्निशन आज संस्था को मिल चुका है, या तो इसे ऑनलाइन भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो बॉडी है वो इन सभी तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। इन सभी तत्वों में किसी भी तत्व की कमी या वृद्धि, यानी इन सभी में किसी भी अनबैलेंस होने से हमारी बॉडी में ये सारी बीमारियां उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि कोई भी इंसान की बॉडी में बीमारी रातों रात नहीं आता, शुरुआत बॉडी का एक छोटा सा पार्ट एटम से होता है। जब वो डैमेज हो जाता है तो वो सेल्स में आता है, सेल्स के बाद टिश्यू में, टिश्यू के बाद ऑर्गन में, तब हमें और आपको एहसास होता है कि हमारी बॉडी बीमार पड़ चुका है, हमें डॉक्टर की जरूरत है। मैं आप सभी से एक सर्वे शेयर करना चाहूंगा, जो सर्वे ना तो मेरा है ना तो इस संस्था का, WHO का नाम आपने सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें सर्वे किया गया, एवरेज पाया गया कि एवरेज 10 व्यक्ति में 8 व्यक्ति आज के टाइम में बीमार है, उनको कुछ ना कुछ समस्या है। एक व्यक्ति पूरे तरीके से बीमार है और एक व्यक्ति पूरे तरीके से स्वस्थ है, यानी एवरेज 10 में 8 बीमार है, जिसमें कहीं ना कहीं हम और बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो हर घर में आए दिन आपको एक ना एक बीमार व्यक्ति आपको मिलेगी। और इसी को देखते हुए एक अलार्मिंग भी जारी किया है WHO ने कि अगर इंडिया अपना खान पान नहीं सुधारा तो आने वाले समय में डायबिटिक और कैंसर जैसी घातक बीमारियों की राजधानी बनने वाली है। आज हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? कारण कुछ नहीं, हमारा खान पान। हम लोग क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, सिर्फ इन 3 बातों पर डिपेंड करता है। आप देख पा रहे हैं, पहले के टाइम में आपने देखा होगा लोग लंबे समय तक जिया करते थे, लिविंग लॉन्ग हुआ करता था, रीजन उस टाइम डाइंग आउट हुआ करता था। लेकिन आज क्या है, टुडे आज लोगों की आयु कम हो गया। जहाँ पहले के लोग 100 साल, 125 साल तक लोग जिया करते थे, आज लोगों की आयु 60 साल, 70 साल मैक्सिमम हो गया। रीजन हमारा लाइफ स्टाइल डिजीज। पहले हम लोग गॉड मेड फूड खाते थे, नेचुरल प्राकृतिक रूप से जो मिलता था, आज हम लोग मैन मेड फूड खाते हैं। हम इंसान के द्वारा बनाया भोजन जैसे चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, नगर, ऐसे कितने फास्ट फूड का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण आए दिन हमारे घर बॉडी में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण लोगों की आयु कमते जा रही है। और ऐसा नहीं, ये बीमारियां आज है, आज से पहले भी आप देख पा रहे हैं, पास्ट के रूप में मलेरिया, डिप्थीरिया, टिटनेस, प्लेग, ये सारी जो बीमारियां थी, जब जब आती थी तो पूरा गाँव के गाँव खाली रहता था, उसके संक्रमण के कारण पूरा गांव तबाह हो जाता था। लेकिन आज थैंक्स बोलना चाहेंगे मेडिकल साइंस का, आज इन सारी बीमारियों पर रोकथाम पाया गया। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में जो समस्या है वो आप देख पा रहे हैं, फिब्रोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, ये वो समस्या है जिसका मेडिकल साइंस में कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है, है तो सिर्फ और सिर्फ रोकथाम, है ना। ये सारे आप जानते हैं। आखिर अपने साथ गलत क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग? गलत यही हुआ कि पहले लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी वो पहले के फूड में मिलता था। जैसे बॉडी को क्या चाहिए, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, एमिनो एसिड्स, ये सारी चीजें पहले के खान पान में मिलता था। लेकिन आज क्या है, आज हम लोग जंक फूड ले रहे हैं, जैसे मिल क्या रहा है, कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है, साल्ट मिल रहा है, शुगर मिल रहा है, अल्कोहल मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को धीरे धीरे वो स्लो पॉइजन के रूप में काम कर रहा है। आज मैं बात करूं, लोग बोलते हैं मैं घर का खाना खाता हूँ फिर भी स्वस्थ नहीं हूँ। रीजन आप जानते हैं कि आप आज जो भी दाल, चावल, रोटी खा रहे हैं वो भी शुद्ध रूप से नहीं मिल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड और यूरिया की मात्रा उसमें मिली हुई है। आज कोल्ड ड्रिंक की बात करें, आज खासकर के गर्मियों के मौसम में किसी के बिगड़ जाए तो एक
चलता है। और तो और इन सारी चीजों से तो हम बच सकते हैं, लेकिन जो आज पर्यावरण में जो प्रदूषण है, आज हवा इतना दूषित हो गया है, पानी इतना दूषित हो गया है, जिसके कारण आए दिन हर रोज सैकड़ों मौतें गंदे हवा और गंदे पानी में खतरनाक रेडिएशन होता है, जिसके कारण लोग सारी बीमारियां उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। और ये जो बीमारियां देख रहे हैं, ऐसा नहीं ये बीमारियां आज है, आज से पहले भी हुआ करता था। आज से मैं बात करूं ज्यादा नहीं तो 100 साल 500 साल पहले भी था बीमारी, लेकिन आज से मात्र 70 साल पहले अगर किसी को कोई समस्या होता था तो उस टाइम ना तो डॉक्टर हुआ करते थे ना तो कोई मेडिकल हुआ करता था। तो उस टाइम कैसे लोग ठीक होते थे, उस टाइम वैद्य और हकीम हुआ करते थे, लोगों को जड़ी बूटियों का लेप लगा करके काढ़ा बना करके लोगों को ठीक किया जाता था। लेकिन पिछले 70 सालों से एलोपैथ ने हमारे इंडिया के भीतर इतना कब्जा जमा लिया है कि लोग आयुर्वेद को भूलते जा रहे हैं। लेकिन सर आज मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है कि जिस संस्था को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो संस्था पिछले 9.5 सालों से बहुत सारे ऐसे दुर्लभ जड़ी बूटियों का रस तैयार किया है, जिसमें अगर एक स्वस्थ इंसान ले ले तो जल्दी बीमार नहीं पड़ता, और एक बीमार इंसान को दे दे तो 100% क्योर कर देता है। जो कि आज हमारे संस्था 170 से ज्यादा प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो दुर्लभ जड़ी बूटी का काढ़ा है वो टोटल 8 कैटेगरी में प्रोवाइड करती है। आइए हम एक एक करके जानते हैं, आप कुछ प्रोडक्ट के बारे में जरूर जानेंगे, इसमें जिस प्रोडक्ट का जैसा नाम वैसा काम। ये हमारा इम्यूनोडॉग है, 1 लीटर का फाइल है। किन्हीं को भी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कोई समस्या हो, साइनस अस्थमा दमा का प्रॉब्लम हो, 3 से 6 फाइल अगर कंटिन्यूसली कोई इंसान इस्तेमाल कर ले, पुराने से पुराने समस्या को ये जड़ से खत्म करने का काम करता है। ये डाइवर ऑफ डायबिटिक वाले पेशेंट के लिए, किन्हीं को डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 दोनों में ये गजब का काम करता है। इंसुलिन को छुड़वाने में बहुत ज्यादा मददगार करता है। ऑर्थोडॉक्स आर्थराइटिस, किन्हीं को गठिया बाई की समस्या और जोड़ों का दर्द हो, आप उन्हें इनका शानदार रिजल्ट ले सकते हैं। ओवीडॉक्स, किन्हीं को वजन ज्यादा बढ़ गया नेचुरल तरीके से और वो चाहते हैं कि विदाउट साइड इफेक्ट वजन मेरा रिड्यूस हो, तो ये शानदार जबरदस्त रिजल्ट अपना ओबेसिटी के लिए है ना। क्लोरोडॉक्स, किसी भी टाइप का कैंसर फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में हो, सभी में ये जबरदस्त तरीके से ये काम करता है क्लोरोडॉक्स। गायनेडॉक, स्पेशल महिलाओं के लिए, महिला से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई समस्या हो, खासकर मेन से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या हो, मासिक समय पे नहीं आना, लिकोरिया की समस्या, बच्चेदानी में गांठ या सूजन या सिस्ट हो जाना, इवन वैसी महिला जो शादीशुदा होने के बाद काफी लंबे समय से जिनको बच्चे होने में परेशानी हो रहा है, उनका भी शानदार रिजल्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। थंडर ब्लास्ट, ये हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करता है, कि नहीं को नस की कोई समस्या है, नस दब गया है, खिंच गया, ब्लड गाढ़ा हो गया है, कि नहीं जेंट्स को सेक्सुअल प्रॉब्लम है या किसी को पैरालिसिस मार दिया हो, उनका शानदार रिजल्ट आप इस थंडर ब्लास्ट के माध्यम से आप ले सकते हैं। कार्डियोडॉक, ये हार्ट वाले पेशेंट के लिए, किसी को हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, बीपी हाई रहता है, लो रहता है, किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनको ये नॉर्मल करने का काम करता है। लिवोडॉक, लीवर से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो, लीवर फैटी हो, सूजन हो, जॉन्डिस की समस्या हो, उनमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये काम करता है। स्टोन डॉग, किन्हीं को पथरी, किडनी में पथरी हो गया हो, 20-20 22-22 mm तक के पथरी को विदाउट ऑपरेशन ये टॉयलेट के माध्यम से गला करके बाहर कर देता है। नेक्स्ट अपना फाइलोडॉग, फाइल्स, बवासीर, खूनियों, बादियों, गजब का रिजल्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। कपड़ों, कितनों पुराना खांसी, दम्मा, टीवी की समस्या हो, उन सभी में ये काम करता है। एलोवेरा सिरप, ये हमारी आंख को सर्विस करने के साथ साथ आप स्किन से रिलेटेड कोई समस्या हो उसको ये दूर करने का काम करता है। किडनी डॉग, स्पेशल बच्चों के लिए, बच्चों के लिए मैं बोलूँ तो शारीरिक और मानसिक रूप से डेवलप करने का काम करता है। नोनी जूस, ये ओवरऑल हमारे संस्था का ये संजीवनी बूटी है, ये बीपी, माइग्रेन जैसी घातक समस्याओं के साथ साथ किसी को वाइटल शोट की समस्या है उसमें बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। किसी को थायराइड की समस्या है, हाइपो हाइपर है, दोनों में ये जबरदस्त तरीके से काम करता है, थायराइड वाला रिजल्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। कीवोडो, किसी भी टाइप का फीवर, बुखार, टाइफॉइड, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, रेगुलर जो महीने 2 महीने आ रहा है, जिनका प्लेटलेट डाउन हो गया, या किन्हीं को प्लास्टिक की एनीमिया है, उनका जबरदस्त रिकॉर्डिंग रिजल्ट स्टॉप्ड. आप यहाँ से, है ना। नेक्स्ट मैं बात करूँ त्रिफला रस, ये 3 फलों का रस का बना हुआ है, वात पित्त कफ पे ये काम करता है। कितनों पुराना गैस कब्जियत का प्रॉब्लम हो, आप उनका यहाँ से शानदार रिजल्ट ले सकते हैं। एलर्जी डॉग, किसी भी टाइप का एलर्जी, साइनस का प्रॉब्लम हो, धूप से, धूल से एलर्जी हो, उन सभी को ये जबरदस्त तरीके से खात्मा करता है। वेंडिक क्वाइल, जिनको वेनिकोज की समस्या हो, इनको आपने देखा होगा कि इनको नस मोटा मोटा हरा हरा ऐट जाता है ना, उनको ये नॉर्मल करने का काम करता है। ब्रेन डॉग रस, मस्तिष्क रिलेटेड कोई समस्या हो, बार बार किसी चीज को भूल जाना, सर दर्द देना, नींद नहीं आना, या ऐसी कोई भी समस्या ब्रेन से रिलेटेड हो, उनमें ये जबरदस्त तरीके से काम करता है।
संत तुलसी वायल, ये पांच प्रकार के तुलसियों का अर्क बना हुआ है, लगभग 200 छोटी छोटी समस्याओं में ये काम करता है। एडिक्टेड और ये खासकर नशा को छुड़ाने के लिए, किसी भी टाइप का नशा जैसे शराब, खैनी, बीड़ी, गुटखा, जो चाहते हैं कि छूटे लेकिन नहीं छूट पा रहा है, उनका शानदार रिजल्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। हेयर डग वायल, जिनको बाल झड़ रहा है, डेंड्रफ टूट रहा है, रूसी हो रहा है, बालों को मजबूती और सिल्की शाइनिंग देने का काम करता है हेयर डग वायल। बात करूं आगे, एक पेस्ट जनरली जो सुबह आप ब्रश के रूप में पेस्ट इस्तेमाल करते हैं ना, ये वही पेस्ट है डेंटोडा, साथ ही साथ इसे क्रीम बोला गया है। पेस्ट की मैं बात करूं तो पेस्ट के साथ साथ इसके 20 फायदे भी हैं, जैसे किन्हीं का दांत दर्द दे रहा है, हल्का फुल्का मसूड़े से खून आ रहा है, मुंह बदबू दे रहा है, पैरे की शिकायत है, इन सारी चीजों में बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। और क्रीम इसे इसलिए बोला गया है, कहीं दिनाए कल कल खुजली, कट गया, जल गया, फोड़ा फुंसी हो गया, वहां पे भी आप इसे क्रीम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी थके आ रहा है, सर दर्द दे रहा है, झंडू बम की जगह पे आप थोड़ा सा इसे डेंटोडॉग को सर पे लगा लीजिए, 1 मिनट में आपको रिलीफ देगा, इतना शानदार प्रोडक्ट है ये डेंटोडॉग अपना। ऐसे करके अगर मैं फूड सप्लीमेंट की बात करूँ तो आज बहुत तरह से सप्लीमेंट जो टैबलेट, कैप्सूल और पाउडर के फॉर्म में दिया गया है, आप देख सकते हैं ना यहाँ पे नीचे देखिए, एक मास ऑफ पाउडर दिया हुआ है, जिनको मसल्स ग्रोथ करना है, बच्चे को 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे को जो मसल्स ग्रोथ करना चाहते हैं उनके लिए दिया गया है, जो जिनकी हाइट नेचुरल तरीके से कम है वो नेचुरल तरीके से आप उनको बढ़ा सकते हैं ना। मसल डॉग, जो जिम वगैरह जाना पसंद करते हैं उनके लिए। आई डॉग ड्रॉप, जो आंखों के, जिनको आंखों की प्रॉब्लम है, इवन मैं अगर एक राउंड शब्द में बोलूं तो ये चश्मा को उतारने का काम करता है। फर्स्ट स्टेज में अगर स्टार्टिंग में अगर मोतियाबिंद की समस्या है तो उसको भी दूर करता है ना। आई डॉग वर्ल्ड बेस्ट ड्रॉप आई डॉग आंखों के लिए है। ये हमारा मेकअप मंत्रा का बहुत सारा प्रोडक्ट है, ब्यूटिशियन का, आपके घरेलू सामान बहुत सारे हैं है ना, आपके किचन के लिए बहुत सारे मसाले यहाँ पे आए हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। और किसान भाइयों के लिए 4 एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, जो बंजर से बंजर भूमि को भी उपजाऊ बनाता है, और आपका जो पैदावार है वो पहले से, आप जो जितने भी पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी, जो खाद हमारा होता है उसका जो इस्तेमाल करके जो हम पैदावार उपजाते हैं, उससे 1.5 गुना पैदावार आपको इस ऑर्गेनिक माध्यम से, इस प्रोडक्ट के माध्यम से यहाँ से होता है ना। बहुत ही शानदार रिजल्ट है। और वेटनरी के लिए हमारे पास 2 प्रोडक्ट है, गाय भैंस के लिए जो दूध देखते हैं कि दूध में फैट की मात्रा कम होती है, कैल्शियम की मात्रा कम गई है, क्योंकि आज हमारा जो खान पान है वही खान पान हमारा जानवर भी लेता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं फैट बूस्टर और कैल्शियम जैसे शानदार 2 प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किए हमारी संस्था ने, आप इसका भी इस्तेमाल करवा सकते हैं ना। अभी टी शर्ट बहुत जल्द आने वाली है। तो ऐसे करके अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट की, तो एक नहीं 170 से ज्यादा प्लस प्रोडक्ट है। अगर मैं एक एक प्रोडक्ट की जानकारी दूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगा है ना। तो आप प्रोडक्ट और विशेष जानकारी ले सकते हैं। और ये जो भी मैंने अभी आपसे जानकारी शेयर किया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, बिजनेस के बारे में बताया, और ये सब आज लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयर करना, नो डाउट ये काम बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात समझ में आता है कि आप जानते हैं कि काम कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उस काम को करते हुए हमें और आपको अगर 2 पैसे ना आ जाए तो वो काम लंबे समय तक नहीं किया जा सकता है ना। तो आइए हम आप जानते हैं कि कैसे इस शानदार प्रोडक्ट के साथ में काम करके, लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयर करके, लोगों की दुआएं कमा करके, लोगों के पैसे को बचा करके, एक शानदार इनकम आप कैसे यहाँ से जनरेट कर सकते हैं अगले 5 मिनट के भीतर। बस आप मेंटली और फिजिकली रूप से बस जूम पे रहिएगा, अगले 5 मिनट में आपको ये मिल जाएगा कि यस, यहाँ से लोगों की दुआएं कमा करके, लोगों के पैसे को बचा करके यहाँ से पैसे कैसे। दोनों में से किसी से भी करते हैं तो टोटली आप यहाँ पे 7 टाइप इनकम के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। जीवन में एक बार आईडी एक्टिवेट कराना है, बार बार कराने की जरूरत नहीं है,
और जैसे ही एक बार आप 52,100 से आपने आईडी को एक्टिवेट कराया तो आप 7 तरीके का इनकम के लिए क्वालिफाई करते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। आइए हम इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो हमारा इनकम होता है वो है रिटेल प्रॉफिट। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी वस्तु का एक मार्केट का रेट होता है जिसको हम एमआरपी बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और वही प्रोडक्ट एक होलसेल रेट में मिलता है जिसको यहाँ पे हम लोग बोलते हैं डीपी रेट, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। तो एमआरपी और डीपी के बीच का जो अंतर हुआ वही रिटेल प्रॉफिट कहला गया, जो कि हमारी संस्था अप टू 20% देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10,000 का प्रोडक्ट परचेजिंग किया एमआरपी रेट से तो आपको 2,000 रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा 20% के हिसाब से, है ना। तो ये आप ये समझ गए अप टू 20% आपको सारे प्रोडक्ट पे रिटेल प्रॉफिट मिल जाता है। दूसरा इनकम, जो प्रोडक्ट आप लेते हैं या किन्हीं को आप देते हैं उस प्रोडक्ट पे कुछ एसपी बनता है, पॉइंट बनता है, जो मैंने एसपी की बात किया था सेल्स पॉइंट, उस पॉइंट से आपको डायरेक्ट संस्था कंपनी आपको जो है वो कंपनी आपके अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफर करती है। वो कैसे करती है उसको आइए हम दूसरे और तीसरे इनकम में समझते हैं। दूसरा इनकम का नाम है मैचिंग इनकम, जो कि 1:1 के रेशियो पे हम बात करेंगे। जैसे ही आप 52 या 100 एसपी में किसी से भी आप अपना जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट लेते हैं और शुरुआत करते हैं, तो जैसे ही आपकी आईडी यहाँ पे एक्टिवेट होती है तो आपको एक यू का पोजीशन मिलता है। जैसे आप देख पा रहे हैं फिगर से आप समझिएगा, यू जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे आप अपने आप को मानिएगा, आप वहां पे है। और साथ ही साथ आपको संस्था बोलती है कि जो भी प्रोडक्ट आपने लिया उस प्रोडक्ट को आप यूज करें, उसके बाद उस प्रोडक्ट का रिजल्ट लें, देन उसके बाद रिजल्ट लेने के बाद आपके जितने भी संपर्क के लोग हैं, आपके जान पहचान, आपके रिलेटिव, आपके दोस्त, जितने भी लोग हैं, आपको क्या करना है अपने जान पहचान वालों में इस बात को शेयर करना है। पहले भी कर रहे थे, आपने किसी दुकान से सट लिया होगा तो आपको अच्छा लगा तो आपने दोस्त को बताया होगा, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ने जा रहे थे आपको अगर एजुकेशन अच्छा लगा आवाज आ रही है सर? जी जी गुरुद्वारा रही जी सर आ रही है ओके। तो मैं बात कर रहा था कि जैसे ही 52 या 100 एसपी में आप आईडी को एक्टिवेट कराते हैं तो आपको यू का पोजीशन मिलता है, और पोजीशन मिलने के बाद हमारी संस्था सबसे पहले आपको बोलती है यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट एंड शेयर विद पीपल। आपको पहले प्रोडक्ट को यूज करना है, फिर उस प्रोडक्ट का रिजल्ट लेना है, देन उसके बाद आपके जो भी संपर्क के लोग होंगे उनको आपको इसके बारे में जानकारी शेयर करना है। आप कुछ लोग को बताते हैं, आपके बताने से यदि आप ही की तरह 100 एसपी से एक बंदा लेफ्ट में और 100 एसपी से एक बंदा राइट में, वो भी अपनी जरूरत के हिसाब से जीवन में एक बार परचेज करते हैं, तो आपको संस्था के माध्यम से पहला जो इनकम आता है वो पूरे 1,000 रुपए का आता है। बात समझ गए? यानी 100 एसपी का लेफ्ट में और 100 एसपी का राइट में गया प्रोडक्ट, वो भी जीवन में एक बार परचेज किया आपके माध्यम से दो लोग, तो आपको जो पहला इनकम आएगा उस संस्था के माध्यम से वो पूरे 1,000 रुपए का। अब सवाल है कि 100 100 एसपी से किया तो 1,000 आया, अगर 52 52 से किया तो मैं उसको क्लियर करना जरूर चाहूंगा। एक एसपी लेफ्ट और एक एसपी राइट मैचिंग मैं बात कर रहा हूँ, आपके लेफ्ट में एक एसपी और राइट में एक एसपी जाएगा तो संस्था आपको 10 रुपए पेमेंट करती है। मैचिंग की बात कर रहा हूँ, अगर 20 लेफ्ट हुआ 20 राइट हुआ 20 20 एसपी तो 200 रुपए मिलेंगे, 50 लेफ्ट 50 राइट तो 500 मिलेंगे, 100 लेफ्ट 100 राइट तो 1,000 हुआ। क्लियर है? तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर 52 लेफ्ट हुआ 52 राइट हुआ तो 52 52 में 50 का मैच करके 500 रुपये आपको मिल जाएगा। हमारी संस्था मिनिमम पेमेंट जो करती है वो 500 रुपये से करती है। क्लियर है? और साथ ही साथ बचा हुआ 2 एसपी, 52 में 50 का मैच करके 500 तो मिल जाएंगे, बचा हुआ 2 एसपी कभी भी बिजनेस यहाँ पे जीरो नहीं होता, हमेशा कैरी फॉरवर्ड होता है, नेक्स्ट वीक के लिए आपको काउंट कर दिए जाते हैं। ठीक है? और बात करूं यहाँ पे जो भी पेमेंट आता है वो आपको भारत सरकार को 5% टीडीएस दे करके फुल्ली व्हाइट मनी पेमेंट आता है। प्रत्येक बृहस्पतिवार की क्लोजिंग होता है और प्रत्येक शुक्रवार को ये मैचिंग का इनकम आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। क्लियर है? दो तरीके का यहाँ पे पेमेंट होता है, एक वीकली होता है एक मंथली होता है। जो भी मैं मैचिंग इनकम बता रहा हूँ वो प्रत्येक शुक्रवार को आपके अकाउंट में आएंगे, अगर आप जो मैं तीसरा इनकम बताऊंगा वो प्रत्येक महीने के लास्ट 1 तारीख को आता है। ठीक है? आई होप ये समझ में आ गया होगा। 100 एसपी का लेफ्ट में 100 एसपी का राइट में तो आपको मिला कितना 1,000 रुपया। अब आइए हम इसको विस्तार से समझते हैं, थोड़ा सा विस्तार से इसको समझते हैं। जैसे यू के पोजीशन पे आप थे, आपने लेफ्ट में ए नाम का 100 एसपी से लाया था, राइट में बी नाम का 100 एसपी से लाया था, तो आपको कितना मिल गया था ए और बी को मिला कर 1,000 रुपया। सही है? अब ए और बी ने भी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए आप ही की तरह, उन्होंने भी प्रोडक्ट का रिजल्ट लिया तो इनको भी आप ही की तरह दो ग्रुप मिला। ए ने भी सी और डी को लाया, बी ने भी ई और एफ को लाया। समझ रहे हैं मेरी बात को? ए ने भी दो लोग को 100 100 एसपी से उन्होंने भी प्रोडक्ट परचेज करवाया, बी ने भी 100 100 एसपी से ई और एफ को प्रोडक्ट परचेज करवाया, तो ए और बी को कितना मिल जाएगा? ए को भी 1,000 मिल जाएगा, बी को भी 1,000 मिल जाएगा।
क्योंकि इन दोनों ने दो दो लोगों को ज्वाइनिंग करवाया, सही है। लेकिन सबसे ऊपर आप पे इनके पोजिशन थे, आपने कोई भी काम नहीं किया, आप पहले वाले जिस काम में थे उस काम में बिजी रह गए, लेकिन फिर भी आपके लिए CDEF आपके डाउन में ये चार नए लोग आ गए, 400 स्पीड का बिजनेस हुआ, 200 स्पीड लेफ्ट, 200 स्पीड राइट हुआ, जिसकी वजह से अगले सप्ताह बिना कोई काम किए हुए 2,000 रुपया आपको भी मिल जाता है, क्योंकि वो आप ही के डाउन में काम हुआ। यही है टीम वर्क की पावर। आज तक आपने जो काम किया आपको मिला होगा फायदा, लेकिन आपके बगल वाले, आपके आसपास वाले अगर काम किए होंगे उसका बेनिफिट आपको नहीं मिला होगा। लेकिन यहाँ पे टीम वर्क की पावर यही है कि अगर आप नहीं भी काम करते हैं, आपने एक लेफ्ट और एक राइट जो लाया वो लोग भी काम करें, तो उनको तो इनकम मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको मिल गया। अब आइए तीसरा स्टेज में चलते हैं। अब CDEF ने भी दो दो को ज्वाइनिंग करवाई 100 100 SPC से, तो इन चारों को 1,000 मिल जाएगा। ऊपर आप बात करते हैं, ए है, ए के लिए चार नए लोग आ गए, दो लेफ्ट में दो राइट में, तो उनको 2,000 मिल जाएगा, बी को भी 2,000 मिल जाएगा। सबसे ऊपर आप हैं यू के पोजिशन पे, तो आपके लिए चार लेफ्ट में और चार राइट में नए लोग आ गए अगले सप्ताह, तो चार का मैचिंग हुआ, इसलिए अगला सप्ताह आपको फिर से बिना कोई काम किए हुए 4,000 रुपया आपको फिर से मिल जाता है। और ये सिलसिला आगे भी चलते रहता है। आपने दो लाया, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, अगर 50 लेफ्ट हुआ, 50 राइट हुआ, तो उसी सप्ताह आपको 50,000 मिल जाएंगे। 100 लेफ्ट हुआ, 100 राइट हुआ, 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। 150 लेफ्ट हुआ, 150 राइट हुआ, 1.5 लाख रुपए मिल जाएगा। लेकिन अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको अंतर बताता हूँ, 52 SPC और 100 SPC में मैंने बताया था ना, कुछ अंतर है। यदि आपकी आईडी 52 SPC से एक्टिवेट होता है, तो जिस सप्ताह आपके लेफ्ट में 150 आईडी और राइट में 150 आईडी, 100 100 SPC वाला, जैसे एक आईडी का मैचिंग पे 1,000 रुपये मिल रहा था, तो 150 आईडी का मैचिंग पे 1.5 लाख देंगे। लेकिन अगर आपकी आईडी 52 SPC से एक्टिवेट रहा, तो संस्था आपको बोलती है हम 1.5 लाख रुपये आपको नहीं देंगे उस सप्ते का, हम आपको मात्र 1 लाख रुपया ही देंगे। जनरली महीने में 4 सप्ताह होता है, इसलिए महीने का 4 लाख रुपये मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने आईडी को 52 से एक्टिवेट कराया है। अगर आप 100 SPC से एक्टिवेट करा रखते हैं और फिर 150 लेफ्ट, 150 राइट आईडी जाता है, 100 100 SPC का, तो यस उस सप्ते आपको 1.5 लाख रुपये मिलेगा। जनरली महीने में 4 सप्ताह, तो महीने का 6 लाख। अब आप सोच के देखिए, एक समझदार इंसान क्या करेंगे, 52 SPC में लगभग कितना लग रहा था, 9,000 का प्रोडक्ट परचेज करना पड़ रहा था, 100 SPC में कितना का, लगभग 17,000 का प्रोडक्ट परचेज करना पड़ रहा था। तो ये 8 से 8,000 रुपया जीवन में एक बार बचा करके हर महीने यहाँ पे देख पा रहे हैं, 4 लाख और 6 लाख, 2 लाख रुपए का अंतर है। कोई भी समझदार इंसान जीवन में एक बार 8,000 रुपया बचा करके महीने का 2 लाख रुपए लॉस करना नहीं चाहेंगे, इसलिए बेस्ट होता है 100 SPC, अन्यथा आप 52 से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दोनों में अंतर बता दिया, सही है। अब आइए समझते हैं, अभी तो आपने देखा एक लेफ्ट एक राइट, दो लेफ्ट दो राइट, चार लेफ्ट चार राइट, लेकिन बिजनेस का ऐसा नेचर है कि कभी भी दोनों हैंड बराबर नहीं चलता, अप एंड डाउन आता है, एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम होता ही होता है, तो उस सिचुएशन में कैसे इनकम आएगा, आइए हम उसको तीसरे इनकम में समझते हैं। उस तीसरा इनकम का नाम है रैंक या लेवल बोनस, जो कि 2:1 पे हम बात करेंगे, वो था 1:1 पे, है ना, दोनों तरफ बराबर। अब एक तरफ हम दुगना और एक तरफ आधा लेके देखते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज में आपको इसके लिए अलग नहीं काम करना, आप यू के पोजिशन पे थे, आपके लेफ्ट में 100 SPC से राइट में 100 SPC आया था, तो आपको कितना मिल गया था यू के पोजिशन पे, 1,000 रुपया मिल गया था ना, फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ। अब हुआ क्या, आपके लेफ्ट वाले को बताया गया था कि ये भी 2 लाख है, राइट वाले को भी बताया गया था कि ये भी 2 लाख है, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है इनको प्रोडक्ट की नीड थी, प्रोडक्ट यूज किया, रिजल्ट इनको मिला, ये घर पे बैठ गए, इनको बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। तो अगर ये किसी को ना लाए तो क्या होगा, तो यही होगा कि सबसे ऊपर आप हैं, आपने इन दोनों को लाया था, और आप जानते हैं कि हर इंसान का 150 150 लोगों से संपर्क होता ही होता है, तो अगर आपके माध्यम से कोई तीसरा व्यक्ति आना चाहेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, या तो लेफ्ट वाले के नीचे या फिर राइट वाले के नीचे। चलिए मैं तीसरे व्यक्ति आप ही के माध्यम से आया, आप यू के पोजिशन पे आए, आप ही के माध्यम से आया, उसको मैंने लेफ्ट के नीचे डाल दिया, है ना, या ये तीसरा आपके माध्यम से ना सही, अगर आपके लेफ्ट में जो पहला व्यक्ति ए नाम का आया हुआ था उसके माध्यम से तीसरा कोई आ जाए, यानी जो तीसरा बंदा आया, ये जो आप देख पा रहे हैं, तो लेफ्ट वाले के माध्यम से आ जाए या आपके माध्यम से आ जाए या आपके ऊपर कोई है उनके माध्यम से आ जाए, तो ये तीसरा जैसे ही आता है, इसके आने से आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आपको इनकम मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि तीसरा का एक जोड़ा राइट में चौथा नहीं आया, जब तक इसका जोड़ा कंप्लीट नहीं होगा तब तक इनकम नहीं मिलेगा। लेकिन आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, इस तीसरा को आने से आपको पहले से 1.5 गुना ज्यादा, पूरे 1,500 रुपये का इनकम मिलेगा। अब यहाँ पे सवाल माइंड में उठ रहा होगा कि मैंने स्टार्टिंग में 2 को लाया तो मात्र 1,000 मिला, तीसरा आया उस पर 1,500 कैसे मिल गया? यस, मैं आपको इसको क्लियर करना चाहूंगा, हमारे संस्था के पास टोटल 18 रैंक है, ठीक
और 18 रैंक में आप पहला रैंक क्वालिफाई कर लेते हैं, उस रैंक का नाम है ब्रॉन्ज। और इस रैंक को क्वालिफाई करने के लिए आपको मिलता है 1500 रुपया, ना कि तीसरा व्यक्ति का पैसा। क्लियर है? तो अब सवाल है कि तीसरा का पैसा क्या हुआ? अभी भी बैलेंस है, अभी भी बैलेंस है, बचा हुआ है। अगले सप्ताह जैसे ही राइट में कोई 100 SP का आएगा या सेम उसी सप्ताह आएगा, तो मैचिंग करके फिर से 1000 रुपया ऐड हो जाएगा। मतलब समझ गए? ये ब्रॉन्ज रैंक अचीव कैसे हुआ? आपके लेफ्ट में 200 SP, राइट में 100 SP जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपका पहला लेवल क्वालिफाई हो जाता है ब्रॉन्ज। और ब्रॉन्ज के लिए रैंक इनकम आपको 1500 रुपया और मैचिंग इनकम 1000, दोनों को ऐड करेंगे तो उस सप्ते की आपकी टोटल इनकम जो होगी वो पूरे 2500 रुपए का। और राइट में जैसे ही चौथा व्यक्ति आएगा 1000 रुपया इसमें और ऐड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना? हम इसको आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप अकेले नहीं रहे, आपके लेफ्ट में 2 लोग हो गए, राइट में 1 है। अब आपके लेफ्ट वाले 2 और आप मिल करके अगला 600 SP का बिजनेस लेफ्ट में। 600 SP का मतलब 6 लोग समझ लीजिए, 100 SP बराबर 1 आदमी, तो 600 SP बराबर 6 आदमी आप समझ लीजिए, समझने में आसानी होगा। 6 आदमी लेफ्ट में, 3 आदमी राइट में होता है ना, तो आपको मिलेंगे कितना? 6 और 3 में मैच कितना करेगा? एक तरफ 6 और एक तरफ 3 है, तो मैचिंग कितना होगा? 3 का ही होगा ना। तो एक मैचिंग पे आपको 1000 मिल रहा था, तो 3 मैचिंग पे कितने मिलेंगे? 3000 ही मिलेंगे, है ना? साथ ही साथ आप 6 और 3 का रेशियो कंप्लीट होगा, लेफ्ट में जो 3 ज्यादा है उसका पैसा आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक राइट में 3 ना आ जाए। लेकिन जानकर आपको फिर से एक बार बड़ी खुशी होगी, इसी रेशियो पे, 6 और 3 के रेशियो पे आपको अलग से एक रैंक के रूप में, बोनस के रूप में, आपसे 1.5 गुना ज्यादा पूरे 4500 रुपए का इनकम मिलता है। दोनों को ऐड कर दें, अगला अमाउंट जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है वो पूरे 7500 रुपए का। अब सवाल है कि 4500 मिला किसका? आपने यहाँ पे संस्था का दूसरा रैंक क्वालिफाई कर लिया, उस रैंक का नाम है सिल्वर। उस सिल्वर के लिए आपको मिला, ब्राउन के लिए 1500 रुपये मिला था, सिल्वर के लिए 4500 रुपये मिला। सही है? आप जो लेफ्ट में 3 ज्यादा है, जैसे ही राइट में 3 आएंगे, 3 3 का मैच करके 7500 में 3000 रुपया और ऐड हो जाएगा, 10500 रुपया आपको हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे हम बात बढ़ आगे बढ़ते हैं। अगला 12 व्यक्ति लेफ्ट में, 6 व्यक्ति राइट में, तो 12 और 6 में 6 का मैचिंग होगा, तो 6000 रुपया आपको मैचिंग का मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे तीसरा रैंक आप क्वालिफाई कर लेते हैं गोल्ड, उस गोल्ड रैंक के लिए आपको सिंगल चेक 9000 रुपये का मिलता है। दोनों को ऐड कर दें, अगला अमाउंट आपके अकाउंट में पूरे 15000 रुपये क्रेडिट होता है। आगे हम बात करें, अगला 24 लेफ्ट में, 12 राइट में, तो 12 का मैचिंग होगा। चौथा रैंक क्वालिफाई करते हैं प्लेटिनम का, प्लेटिनम के लिए आपको सिंगल चेक पूरे 20000 का मिलता है। दोनों को ऐड कर दें, अगला अमाउंट आपके अकाउंट में 32000 रुपये क्रेडिट होता है। नेक्स्ट में बात करूं, अगला 48 लेफ्ट में, 24 राइट में, तो 24 का मैच होगा, 24000 मैचिंग का। प्लस यहाँ पे 5वां रैंक क्वालिफाई कर लेते हैं, उस रैंक का नाम है इमरल्ड। इमरल्ड रैंक का एक सिंगल चेक आपको पूरे 45000 रुपए का मिलता है। दोनों को ऐड कर लें, अगला अमाउंट जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है पूरे 69000 रुपए का। नेक्स्ट में बात करूं, अगला 120 ID लेफ्ट में, 60 ID राइट में, तो 60000 मैचिंग का। प्लस यहाँ पे आप 6ठा रैंक क्वालिफाई करते हैं टोपाज, उस टोपाज रैंक का सिंगल चेक आपको 1.5 लाख रुपए का मिलता है। दोनों को ऐड करेंगे तो अगला अमाउंट जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है पूरे के पूरे 2,10,000 रुपया। और इतना ही नहीं, जिस दिन आप इस 6ठे रैंक को आप क्वालिफाई करते हैं टोपाज को, उसी दिन आप चौथे इनकम के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, टूर एंड ट्रेवल, जिसमें आपको थाईलैंड घूमने का मौका फ्री ऑफ कॉस्ट, 3 नाइट 4 डेज आप इंजॉय कर सकते हैं, आपका 1 रुपये खर्च नहीं होगा। सारी पेमेंट जो होगा दिल्ली से बाई फ्लाइट ले जाना बैंकॉक और वहां पे लाके छोड़ना, सारा के सारा। अब जिस दिन आप टोपाज रैंक को अचीव करते हैं उस दिन, क्लियर है, थाईलैंड आपको घूमने का मौका मिलता है। इसी तरीके से मैं ये 6ठा रैंक बता रहा हूँ, आगे टोटल हमारे संस्था के पास 18 रैंक है। जैसे 7वां रैंक देख पा रहे हैं, 7वां रैंक का नाम है रूबी स्टार। उसके लिए चाहिए क्या? आपके लेफ्ट साइड में 240 ID, राइट में 120 ID, तो 240 और 120 में 120 का मैच करेगा, 1,20,000 मैचिंग का इनकम। बोनस के रूप में रूबी स्टार रैंक को अचीव करने के लिए 2,30,000 रुपया सिंगल चेक मिलता है। दोनों को ऐड कर दें, अगला अमाउंट आपके अकाउंट में 3.5 लाख रुपए क्रेडिट होता है। नेक्स्ट में बात करूं, अगला सफायर के लिए, उसके 480 लेफ्ट में, 240 राइट में, 2,40,000 मैचिंग का, 3,60,000 रुपया आपको बोनस मिल जाता है। दोनों को ऐड कर दें, 6 लाख रुपया आपको अगला इनकम आपको मिल जाता है ना। नेक्स्ट में बात करूं, स्टार सफायर, उसके लिए 960 लेफ्ट में, 480 राइट में, 4,80,000 मैचिंग का, 8,20,000 रुपया आपको सिंगल चेक मिलता है रैंक का। दोनों को ऐड कर दें, अगला अमाउंट आपको 13 लाख रुपया आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। नेक्स्ट में बात करूं, 10वें रैंक डायमंड का, जिसके लिए 1920 ID लेफ्ट में, 960 ID राइट में, 9,60,000 आपको मैचिंग का, 12,40,000 रुपया आपको रैंक इनकम मिलता है। दोनों को ऐड कर दें, अगला अमाउंट आपके अकाउंट में 22 लाख क्रेडिट होता है। नेक्स्ट में बात करूं, 11वां रैंक ब्लू डायमंड का, उसके लिए
3840 लेफ्ट में, 1920 राइट में, 19,20,000 रुपया आपको मैचिंग का, 22 लाख रुपया आपको सिंगल चेक रैंक इनकम मिलता है, दोनों को ऐड कर दें, 41,20,000 रुपया अगला अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। ये 11वां रैंक आप देख पा रहे हैं, आगे और भी 7 रैंक है, यानी टोटल अपने संस्था के पास 18 रैंक है, और 18 रैंक में मैं टोटल इनकम की बात करूं तो टोटल बिजनेस इनकम जो है 70 करोड़ का इनकम प्लान है, आप समझ सकते हैं। सही है, एक इंसान सिंगल आईडी पे 70 करोड़ की इनकम यहाँ से वो ले सकते हैं। मैंने चौथे इनकम बताया था टूर एंड ट्रेवल, है ना, टूर एंड ट्रेवल जिसमें 6ठा रैंक आपने देखा था टोपाज, टोपाज पे क्या था, थाईलैंड का ट्रिप था सेल्फ के लिए, तो वैसे ही देखिए सफारी पे दिया हुआ है दुबई का, दुबई में अकेले नहीं कपल साथ में 2 बच्चे, 4 सफारी पे मलेशिया का है सेल्फ के लिए, डायमंड पे मालदीव का है कपल के लिए, ब्लू डायमंड पे दिया है स्विट्जरलैंड कपल मतलब 2 बच्चे का है, ऐसे करके आपका पीटर्सबर्ग दिया हुआ है, सिंगापुर दिया हुआ है, मॉस्को दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया तक का आपका दिया हुआ है ना, ये हर एक रैंक पे वहाँ पे आपको ट्रिप मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट संस्था के माध्यम से। आइए हम पांचवें इनकम की बात करें, जिसे जिसका नाम है रीपर्चेज। रीपर्चेज के जैसा कि मतलब आप समझ रहे होंगे, आपने एक बार प्रोडक्ट परचेज किया तो परचेजिंग कल आया, दूसरी बार आपको अच्छा लगा फिर आप परचेज करेंगे, उसको रीपर्चेज बोलते हैं, उसकी वजह से आपको इनकम भी मिलता है, उसी को रीपर्चेज इनकम बोलते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से काम नहीं करना, जैसे यू के पोजिशन पे आप थे, अब इस बार अलग अंतर क्या होगा, यहाँ पे 52 SP 100 SP करने की जरूरत नहीं है, आपके लेफ्ट वाले अगर आपके लेफ्ट में 10 लोग हो गए और राइट में भी 10 लोग हो गए, वो 100 बंदा अगर 10 10 SP का ही प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो 100 SP लेफ्ट 100 SP राइट होगा, तो फिर से 100 SP का मैचिंग करके आपको 1,000 रुपये मिल जाएंगे, 500 लेफ्ट होगा 500 राइट होगा तो 5,000 मिल जाएंगे, यानी ये जो रिपर्चेज का इनकम है वो सेम एज आपको मैचिंग मैचिंग इनकम की तरह आपको मिलता है। ठीक है, अंतर सिर्फ इतना है यहाँ पे 52 और 100 SP करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट छठा इनकम, क्वार्टरली प्रमोशन बोनांजा टारगेट। हमारे संस्था जैसे आपने देखा 6ठे रैंक पे टोपाज रैंक पे आपको थाईलैंड का ट्रिप मिलता है, अगर कोई इंसान उस 6ठे रैंक से पहले अगर कहीं घूमना चाहे तो उसके लिए भी हमारे संस्था ऑप्शन देती है, जो कि अभी 25 मई से लेकर 22 अगस्त तक का एक टारगेट चल रहा है गोवा का और अबू धाबी का, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं, 22 अगस्त से पहले जैसे आज आप शुरुआत करते हैं, यू के पोजिशन पे देख रहे हैं आप, यू के पोजिशन पे आज आप शुरुआत करते हैं, आपको करना कुछ नहीं है, 22 अगस्त से पहले पहले तक आप अपने माध्यम से, आपके माध्यम से जो 2 4 लोग आएंगे उनके माध्यम से, आपके अपलाइन के माध्यम से, आपके डाउन में जैसे ही 1200 SP का बिजनेस लेफ्ट में और 1200 SP का बिजनेस राइट में होता है तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं गोवा के लिए, 3 नाइट 4 डेज आपको एंजॉय करने का मौका मिलता है। सही है, अगर आप चाहते हैं इंटरनेशनल ट्रिप विदेश भी घूमने का मौका मिले अबू धाबी, तो उसके लिए 4100 SP लेफ्ट में 4100 SP राइट में करना पड़ेगा 22 अगस्त से पहले। क्लियर है, तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट की टारगेट आपको मिल जाता है। नेक्स्ट और सातवां सबसे लास्ट इनकम, जिसे फैमिली सिक्योरिटी फंड, ये इनकम नहीं बोल सकता, एक किसी परिवार का सुरक्षा योजना है, और इसके बारे में अगर इस जानकारी लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मैं दिल से बताऊं, ये जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, आपने LIC का स्लोगन आपने सुना होगा है ना, लेकिन रियल लाइफ में जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद आपको यहाँ पे जानकारी लेने का मौका मिलेगा। आपने देखा होगा कोई घर में कोई इंसान अगर आज वो 50,000 1,60,000 70,000 महीने कमा रहे हैं, उनके वजह से उनका घर परिवार अच्छे से चल रहा है, खा पी रहा है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन अगर आपने कभी सोचा है कि अगर वो अचानक किसी भी कारणवश कभी अगर वो इस दुनिया में ना रहे, तो आपने देखा होगा हमारे समाज में, हमारे पड़ोस में ऐसे बहुत सारे लोग के साथ हुआ, जो घर के मुखिया लाखों वो कमा रहा था जिसकी वजह से उसका परिवार चल रहा था, एकाएक वो इस दुनिया से चले गए किसी भी कारणवश, आज उनके घर में 2 वक्त की दाल रोटी भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, भगवान ना करे कि नहीं साथ ऐसी कोई अनहोनी हो, लेकिन फिर भी अगर किन्हीं के साथ ऐसी कोई अनहोनी हो जाता है, और वो ज्यादा नहीं छोटा सा रैंक इमरल्ड को अचीव करके अगर किन्हीं साथ ऐसा होता है अनहोनी, कल को वो इस दुनिया को छोड़ भी देते हैं तो इंसान को तो कोई लौटा नहीं सकता, आप जानते हैं, जान चले ही जाएंगे, लेकिन उनके ना रहने के बावजूद, उनके जाने के बावजूद, उनके घर में जो आर्थिक तंगी आएगी उससे बचने के लिए, उससे कुछ समय के लिए उपाय करने के लिए हमारी संस्था उसके कुछ परिवार के साथ है, अगर इमरल्ड रैंक पे कोई छोड़ के चला गया तो उसके नॉमिनी को उसी वक्त 1 लाख रुपया कैश सहयोग राशि के रूप में, अगर टोपाज रैंक अचीव करके चले गए तो 2 लाख, रुबी स्टार पे 3 लाख, सफायर पे 4 लाख, स्टार सफायर पे 8,20,000, डायमंड पे 12,40,000 और ब्लू डायमंड पे 22 लाख, यानी 5वें रैंक से 11वें रैंक तक आपको 1 लाख से लेकर 22 लाख तक का परिवार सुरक्षा योजना देती है उनके नॉमिनी को। इसके लिए उन्होंने 1 रुपया जमा नहीं किया, सिर्फ उन्होंने रैंक अचीव किया, इनकम तो मिला ही मिला, और जो वीकली इनकम आ रहा था वो तो लेंगे लेंगे, ये उसी वक्त जिस वक्त वो इस दुनिया को छोड़ते हैं उनके नॉमिनी को परिवार सुरक्षा योजना के रूप में मिलता है, और साथ ही साथ
उनके दो बच्चे को 1 to 12th एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जिस भी स्कूल में आप पढ़ाना चाहे अपने बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज आप सोच के देखिए, अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उनके अपने भी दरकिनारे ले लेते हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स वेलनेस उस इंसान के साथ हमेशा साथ है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, है ना। और इतना ही नहीं, जैसे आप जानते हैं कि कोई डॉक्टर का बेटा पैदाइशी डॉक्टर नहीं हो सकता, कोई वकील का बेटा पैदाइशी वकील नहीं हो सकता, कोई टीचर का बेटा पैदाइशी टीचर नहीं हो सकता, उन्हें भी उतने समय पढ़ना पड़ेगा, फिर बाकी उन सारी एक्टिविटी को करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जा करके भी वो लाखों रुपए महीने कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आज मुझे बताते हुए बड़ी फक्र होता है कि अगर एसलिपियस वेलनेस का कोई लीडर, अगर वो टोपाज बनकर के भी इस दुनिया से चला जाता है, तो उसके बेटे को जीरो से काम करने की जरूरत नहीं है, उसका बेटा पैदाइशी टोपाज ही होगा, तो पास से ही वो आगे बढ़ेगा। यहाँ से कोई लीडर अगर 10,000 की इनकम ले कर रहा था और वो एकाएक चला गया इस दुनिया से, तो उसके नॉमिनी को 10,000 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, जीरो से करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सेम रैंक सेम इनकम उनके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो इसी तरीके से आज ये हमारा पूरा 7 टाइप इनकम जो था, मैंने आपको सक्सेसफुली कंप्लीट किया, और इस इनकम को लेने के लिए बहुत सारे ऐसे अचीवर्स हैं जो मैं अब जरूर आपको अभी बताऊंगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, मिस्टर महिपाल सिंह सर हैं जो आर्मी से बिलोंग करते हैं। आपको मैं इनके बारे में क्या बताऊं, बस थोड़ा सा जरूर जानकारी दूंगा। जॉब में रह करके इन्होंने शुरुआत किया था, और आज से 8 साल पहले इन्होंने किया था, और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, पार्ट टाइम शुरुआत किया था जॉब को करते हुए, इंडियन आर्मी में थे और जॉब को करते हुए इन्होंने कुछ समय काम किया, और आज 8 साल कंप्लीट हुआ है जॉब को क्विट करके, आज फुल टाइम AWPL को कर रहे हैं, और आपको जानकर बहुत खुशी होगी, इनके अकाउंट में पिछले 8 सालों के भीतर, 8.5 सालों के भीतर टोटल 60 करोड़ से ज्यादा का इनकम जा चुका है। कितना? अनबिलीवेबल। आज लगभग 70 से 80 लाख रुपया पर मंथ की इनकम आज ये ले रहे हैं। मिस्टर शिव कुमार सर को आप जानिए, बिहार के रहने वाले हैं, आज ये भी 60 से 70 लाख रुपए पर मंथ की इनकम ले रहे हैं। ये आप आर्मी से ही बिलोंग करते हैं। मिस्टर नसीब खान सर, ये भी आर्मी से रिटायर पर्सन है। आप जानते हैं कि रिटायर पर्सन क्या करता है, या तो किसी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं, या कोई अपना खुद का बिजनेस कहीं डालते हैं, लेकिन इन्होंने रिटायरमेंट के बाद एसलीपीएस वेलनेस की शुरुआत किया, और आज रिटायर्ड फौजी आज महीने का 40 से 45 लाख रुपए ले रहे हैं। सोचने वाली बात। मिस्टर महेश चौधरी सर, ये भी आपका झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले हैं, इन्होंने भी जॉब से ही शुरुआत किया था, ये भी आर्मी में ही थे, इन्होंने भी जॉब से शुरुआत किया था, और आज जॉब को क्विट करके आज फुल टाइम कर रहे हैं, और आज महीने का लगभग 15 से 16 लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं। मिस्टर किशन बलवड़ा सर, आप देख पा रहे हैं, ये झुंझुनू राजस्थान, ये भी राजस्थान जयपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने भी आज से ठीक 6 साल पहले, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन्होंने करके लोगों को कंप्यूटर पे वेबसाइट वेबसाइट डिजाइन का काम प्रोवाइड करते थे, और आज आपको जानकर खुशी होगी, 27-28 साल के उम्र में आज एक इंसान एसलिपियस वेलनेस के माध्यम से आज वो यंग भी हैं, रिच भी हैं, और रिटायर भी हो चुके हैं। आज आपको जानकर खुशी होगी, पिछले 6 सालों से इस इंडस्ट्री में है, और 6 सालों के भीतर इनकी टोटल जो अर्निंग है 5 करोड़ से ज्यादा है, आज 1 करोड़ की जगुआर को मेंटेन करते हैं, और एवरेज महीने की इनकम 16 से 17 लाख रुपया पर मंथ की इनकम को ले रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। मिस्टर दीपक कुमार सर, एस गुप्ता सर, ये पटना बिहार से रहने वाले हैं, इन्होंने भी आज से 4 साढ़े 4 साल पहले शुरुआत किया था, और आज ये 2-2 करोड़ के मालिक बन चुके हैं। मिस्टर चंदन राज सर, सोनू शेख सर, ये बिहार से ही है, आज ये भी लगभग 1 करोड़ की इनकम ले चुके हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको जरूर बताना चाहता हूँ दोस्त, आज से ठीक 3 साल पहले मुझे भी ये कॉन्सेप्ट देखने का मौका मिला था। मैंने भी इस कॉन्सेप्ट को देखा था, समझा था, जब फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आई थी, दिखाया गया था, तो मुझे एक चीज समझ में आया था, क्योंकि मेरे रिलेटिव में आपने देखा होगा, जब शुरुआत में प्रोडक्ट के बारे में बताया गया था, तो मुझे भी प्रोडक्ट के बारे में बताया गया था। उस टाइम मैंने क्या किया था, मुझे लगा बिजनेस तो सेकेंडरी है, पहले मैं प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है, चलो प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ, देखता हूँ प्रोडक्ट में दम है या नहीं। तो मेरी नानी माँ को पिछले 18 सालों से दमा की शिकायत थी, मैंने उनके लिए प्रोडक्ट लिया, और प्रोडक्ट का 15 दिनों के भीतर जब वो रिजल्ट शानदार सामने आया, तो मुझे थोड़ा सा बिलीव हुआ सच में प्रोडक्ट काम करता है। जानकर बड़ी खुशी हो गई, मैंने उस प्रोडक्ट का रिजल्ट से ही बढ़ाने के लिए मैंने सोचा, हो सकता है तुक्के में रिजल्ट आ गया, सारे प्रोडक्ट के नहीं हो सकते हैं, तो मैंने उस रिजल्ट को परखने के लिए, रिजल्ट को अपने अंदर बिलीव लेवल को बढ़ाने के लिए, मैंने एक डायबिटीज को और दूसरा मैंने एक थायराइड वाले पेशेंट को दिया। जब उनका रिजल्ट आया तो मुझे उस दिन 100% बिलीव हो गया, और मुझे लगा कि यस, इस प्रोडक्ट में दम है। उस टाइम मैं टीचिंग लाइन का काम कर रहा था, पिछले 8 सालों से मैं टीचिंग लाइन का काम कर रहा था, तो मुझे उस टाइम एक बात समझ में आई थी कि हर इंसान कहीं ना कहीं पैसा कमाता है, और मैं भी कमा रहा था, घर परिवार चल रहे थे, बस दाल रोटी चल रही थी, कोई
कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन उस दिन मुझे एक चीज एहसास हुआ कि एक इंसान आज पैसा कमाने के लिए क्या करता है, वो चीजें मुझे उस दिन समझ में आई थी और आपको आज मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। बस अगले 2 मिनट में आपका समय लूंगा, ध्यान से आप सुनिएगा। आप जानते हैं जिंदगी में एक इंसान पैसा जनरली 2 तरीके से कमाता है, एक या तो वो अच्छा काम करके पैसा कमा ले, बुरा कर सकते हैं। कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने अपने जान को जोखिम में डाल करके लोगों की आयु को बचाया, लोगों के जीवन को बचाया। लेकिन आज भी कुछ ऐसे गुरुदेव, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, सभी के लिए जा रहा है। हाँ, जी गुरुदेव, आवाज आ रही है। तो मैं बात कर रहा था कि आप जानते हैं कि जब भी हमारे घर में कोई इंसान बीमार पड़ता है तो हम और आप कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। बड़ी श्रद्धा और बड़ी उम्मीद से जाते हैं कि उस जगह पे जाऊंगा, मेरा समस्या ठीक होगा। लेकिन आपने पेपर और न्यूज में भी आपने कुछ समय पहले सुना होगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, अपोलो और फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल में किडनियों की रैकिंग पकड़ाई जा रही है। एक मुर्दा से वसूला जा रहा है पैसा, कब तक वेंटिलेटर पे सुला के, तब जब तक कि उसके परिवार वाले दोनों हाथ खड़ा ना कर दे तब तक उस इंसान से पैसा वसूला जा रहा है। यानी ये लोग क्या कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए इतना हद तक गिर चुके हैं कि सामने वाला इंसान जिंदा रहे या मरे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनके घर में उनकी अच्छी दाल रोटी चलनी चाहिए, उनका अच्छा घर मकान होना चाहिए, उनका अच्छे कपड़े होने चाहिए, उनका अच्छा परिवार, अच्छा लाइफ स्टाइल जीना चाहिए। सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने बारे में सोचने की वजह से लोगों की मौत से खेल तक चले जाते हैं। आप सोच के देखिए, आज जब आप किचन जाते हैं, आज सैकड़ों बीमारियों का उपाय सिर्फ और सिर्फ आपका घर का मसाला अगर चेंज आप कर दें तो उस मसाले चेंज करने की वजह से हो सकती थी। आज सैकड़ों बीमारियां हमारे किचन से हो रहा है। आपने देखा होगा हल्दी के पाउडर में, आपने देखा होगा रंग मलाया जा रहा है, धनिया का पाउडर में घोड़े की लीद मिलाई जा रही है, मिर्च का पाउडर में ईंटों का चूर मिलाया जा रहा है। ये सब क्या है? आज ये जितने भी मिलावटी की काम कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात से वो एग्री करते हैं कि मेरे इस गंदे काम पड़ता है, दुनिया इसे जी नहीं पड़ता। लेकिन आज आप सोच के देखिए हमारा काम क्या है। आज लोग क्या करते हैं? आज आपने देखा होगा एक भाई दूसरे भाई का गला काट देता है थोड़ी सी जमीन के चलते। आप सोच के देखिए उस बच्चे की क्या गलती जिसने अभी इस धरती पे पैदा लिया ही लिया है और आज हम उसे स्लो पॉइजन दे रहे हैं। क्या पता है आपको? आपने देखा होगा जब हम किसी जगह से दूध लाते हैं, मैं तारीफ वाले वाले के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आज के तारीख में पैसा कमाने के लिए इतने गंदे काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा गाय और भैंस से मैक्सिमम दूध प्राप्त करने के लिए ऑक्सीटोसिन की सुई डालता है और मैक्सिमम दूध प्राप्त होता है, और वो दूध किसके पास जाता है? जो आज इस धरती पे जिस बच्चा ने जन्म लिया है, 6 महीने 1 साल हुआ है, उस के चलते यहाँ तक कि लोग बहु बेटियों तक बेच देता तो कि भाई साहब आप क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसके बारे में लोग करके चाय के बजाय अगर आप पानी, गुनगुना पानी आप सुबह उठ करके पिए तो लगभग सैकड़ों समस्या ठीक हो सकती है। मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ कि ये काम कैसा, अच्छा या बुरा। नो डाउट आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये समझ में आता है कि लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर करना काम बहुत अच्छा है, लोगों के हेल्थ के बारे में जागरूक करना काम अच्छा है, जिनके समस्या है उनके समस्या के लिए प्रोडक्ट रिकमेंड करना काम बहुत अच्छा है। ये बातें समझ में आती है, लेकिन मेरा सवाल माइंड एक्सेप्ट करता है कि चलो मैं मान तो लूं कि आपका काम बहुत अच्छा है, लेकिन क्या गारंटी जिस प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट रिजल्ट देगा? यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैंने भी जब इस कॉन्सेप्ट को पहली बार समझा था तो मुझे भी डाउट हुआ था कि चलो मैं मानता हूँ आपका काम बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, लेकिन क्या गारंटी जिस प्रोडक्ट के बारे में आप बता रहे हैं वो प्रोडक्ट काम करेगा? चलिए मैं 99% मैं आपके फेवर में बात करता हूँ कि आपने यहाँ से प्रोडक्ट लिया,
आपने यहाँ से प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको नहीं मिला, तो क्या होगा? आपने आयुर्वेदा के बारे में आपने सुना होगा कि अगर किसी बॉडी पे काम नहीं करता तो नुकसान भी नहीं करता, सच्चाई है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक इंसान यहाँ से प्रोडक्ट लेता है, प्रोडक्ट का यूज करता है, प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं मिलता है, तो बस आप ये 99% निगेटिव मान के चलिएगा कि जिस बूढ़ी माँ को डॉक्टर ने बोल दिया घुटने का रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, अर्थराइटिस की समस्या थी, 5 लाख रुपए लगने वाले थे, उन्होंने यहाँ से प्रोडक्ट लिया और प्रोडक्ट का 15,000 का प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं मिला, तो क्या होगा? आप यूं समझिएगा जिस बूढ़ी माँ को 5 लाख लगने वाले थे, दवाई का रेट बढ़ गया, 15,000 रुपए और बढ़ गया, 5 लाख 15,000 रुपए खर्च हो गया। ये निगेटिव माइंड सोच के चलिएगा 99% की, अगर नहीं रिजल्ट आया तो ऐसा होगा, लेकिन 1% सोच के देखिएगा कि जिस बूढ़ी माँ ने बिलीव किया, जिसको डॉक्टर ने 5 लाख रुपया बोला था, उसके पास 5 लाख रुपया नहीं है घुटने के रिप्लेसमेंट के लिए, लेकिन यहाँ से एसलिपियस वेलनेस के माध्यम से 15,000 रुपए का प्रोडक्ट उन्होंने लिया, और 1% बिलीव की वजह से अगर उस इंसान का रिजल्ट आ जाता है, तो जिस इंसान को 5 लाख रुपए लगने वाले थे, आपने उस इंसान को 4,85,000 रुपए का सेविंग करवा दिया, 4,85,000 का सेविंग करवा दिया। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गया। हम यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं, चीजों को समझना है। आज उस लेडीज के पास जाइए जिस लेडीज शादी को 5 साल 10 साल हो गया है, आज तक माँ का सुख प्राप्त नहीं कर पाई है, समाज वाले, घर वाले, पड़ोस वाले ताना मार मार के, बांझपन का ताना मार मार के उसको, तो ऐसे ही आधा मतलब जिंदा वो नहीं है, सिर्फ जिंदा लाश है वो, लेकिन एक एसलिपियस का फाइटर जाता है कि वो, कोई बात नहीं बहन, एसलिपियस वेलनेस में एक गाइनोडॉक नाम का प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट का अगर एक बार आप इस्तेमाल करते हैं, मैं 99% मानता हूं, अगर रिजल्ट नहीं आया तो क्या हुआ, ऑलरेडी आप 10 साल से परेशान थे, 10 साल में आपने कई लाख रुपया भी खर्च किया होगा, बस आप मान लीजिएगा कि 15,000 रुपया और खर्च हो गया, लेकिन 1% बिलीव करिएगा, आज हजारों लोगों का रिजल्ट आया, बस एक बार बिलीव करके आज गायनोडॉक का प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए, जो आपके बरसों की गई हुई खुशियां वापस आ सकती है अगले 9 महीने के भीतर, वो बिलीव उस इंसान को यूज करवाता है और बिलीव की वजह से इस्तेमाल करता है, और जिसकी वजह से आज एक नहीं हजार आवाज बोलते हुए ड्रॉप कर दिया। आवाज नहीं आ रही। कॉल आ जाता है क्या करूँ, काफी अर्जेंट था। मैं बात कर रहा था 1% की पावर, मैं आप सभी को समझाना चाह रहा हूँ, 1% की पावर मैंने भी सेम समझी थी, और आज से कुछ समय पहले भी हमारे अपलाइनों ने भी सेम समझा था, कि अगर मैंने 99% मैं ये सोच के चलता हूँ कि अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल किया रिजल्ट नहीं मिला तो कुछ नहीं, तो कम से कम बॉडी की सर्विसिंग तो होगी, लेकिन 1% मैंने सोचा था अगर रिजल्ट आ गया, तो जैसा महिपाल सर के बारे में बताया गया, शिव कुमार सर के बारे में बताया गया, है किशन सर के बारे में बताया गया, वैसे अगर 1% भी अगर मेरे साथ हुआ तो मेरी लाइफ भी बदल सकती है। और ठीक आज से 3 साल पहले दोस्त मैंने भी इस बिजनेस की शुरुआत किया था, टीचिंग लाइन में था, जिंदगी में कुछ बड़ी सोच नहीं थी, बस लगा था कि कुछ होगा कि नहीं होगा, शुरुआत में पैसे की भी दिक्कत हुई थी, लेकिन मैंने एक चीज सोचा था कि अगर पैसे की दिक्कत है तो अगर पैसे को दिक्कत को खत्म करना है, तो आप एक कहावत मुझे याद आई थी कि एक कांटा अगर आपके पैर में चुभा हुआ है, तो उस कांटे को निकालने के लिए उससे मजबूत दूसरा कांटा पैर में चुभाना पड़ता है, तभी वो कांटा निकलता है। तो मैंने समझा कि अगर मेरे पास जो पैसे नाम की किल्लत है, दिक्कतें हैं, उस दिक्कत को अगर दूर करना है, तो एक बार और मुझे कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी, और मैंने 15,000 रुपये का व्यवस्था किया और शुरुआत किया, प्रोडक्ट रिजल्ट लिया, बिलीव हुआ, और शानदार पिछले 3 सालों से कंटिन्यू एज ए करियर, मैं टीचिंग लाइन को भी क्विट करके आज फुल टाइम एज ए करियर पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ, और आज आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, आपने 10वां रैंक आपने देखा था डायमंड का, है ना, आज मैं 9वें रैंक पे, 4 से 5 रैंक पे हूँ, अगले महीने मैं इसी संस्था के भीतर 10वें रैंक को अचीव कर रहा हूँ,
जिसका सिंगल रैंक इनकम मेरे अकाउंट में 12,40,000 रुपये आने वाला है। आप सोच के देखिए, एक टीचर जो 40,000 30,000 25,000 महीने पे काम कर रहा था पिछले 8 सालों से, उस इंसान के अकाउंट में एक सिंगल चेक 12,40,000 रुपये का आने वाला है। ये सोचकर बड़ा मतलब अजीब सा टाइप का लग रहा है। और अभी मैं आपको बताऊं, 3 साल अभी हो चुके हैं और अभी तक रिसेंटली मैं वो 12,40,000 को साइड करके बताता हूँ, मेरे अकाउंट में स्लिप्स वेलनेस के माध्यम से लगभग 36 लाख से ज्यादा का इनकम यहाँ पे ले चुका हूँ। कितने? 36 लाख। आपको बिलीव है? होता है बिलीव? चलिए, मैं जूम पे हूँ तो जरूर मैं आप सभी को शेयर करना चाहूंगा। मैं भी अपनी आईडी ओपन करके दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो भी बातें होती है ओपनली होता है, कोई भी तरह का यहाँ पे आपको ऐसे नहीं है कि हाँ भाई कोई बोल रहा है। एक छोटा सा लड़का 27 साल 28 साल का लड़का के बता रहा है कि 36 लाख रुपया 3 साल में कमा चुका हूँ, आज एवरेज महीने का 2.5 से 3 लाख रुपया कमा रहा हूँ सर एफिलिएट बिजनेस के माध्यम से। ये सोचने वाली बात है, ठीक है? ये मैंने अपनी आईडी और पासवर्ड मैंने डाल दिया है, मैं अपनी वाइफ की आईडी से काम कर रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। निभा कुमारी है, देख रहे हैं? आज मैं इसी आईडी से, मैं अपनी वाइफ की आईडी से काम कर रहा हूँ। मैं अभी आपको अकाउंट स्टेटमेंट पहले टोटल दिखाता हूँ। ये देखिए कमीशन स्टेटमेंट है। आप देखते होंगे जब भी बैंक में आप जाते हैं तो आपका जो पासबुक अपडेट होता है वो कब से कब तक आपको करवाना है वो डेट आपको मांगता है ना, 1 महीने का, 10 दिन का, 15 दिन का, 1 हफ्ते का, 2 दिन का, तो वो डेट यहाँ पे डालना होता है कि कब से कब तक आपका देखना चाह रहा है ना। तो मैं पिछले 2 सालों का भी आपके बीच रख रहा हूँ, तो आप 2 सालों का देख सकते हैं, 25/7/2022 से 25/7/2024 का मैंने लिया है ना। तो आप देख सकते हैं ये 2 सालों का टोटल जो इनकम है 26,90,052, यानी 27 लाख रुपया आपको पिछले 2 सालों की इनकम है। और यहाँ पे जो भी पेमेंट आता है वो फुल्ली व्हाइट मनी आता है। आप देख सकते हैं टीडीएस के रूप में यहाँ पे देखिए कितना कटा हुआ है, 1,34,502 रुपया टीडीएस पे हुआ है। और मेरे अकाउंट में नेट अमाउंट जो आया है वो देख पा रहे हैं 25,55,550 रुपया। अब पिछले 2 साल की अर्निंग, मैं टोटल अर्निंग की बात कर रहा था, आप टोटल अर्निंग भी देख सकते हैं। वो तो यहाँ पे देखिए थोड़ा हमारे गुरु जी का लगा हुआ है। देखिए टोटल इनकम की बात मैं कर रहा था, दिख रहा है? अभी तक मैंने स्लीपलेस वेलनेस के माध्यम से 36,37,378 रुपया मैं यहाँ से अर्न कर चुका हूँ। मेरा जो करेंट लेवल है वो आप देख पा रहे हैं स्टार सफायर का है। बहुत जल्द अगले महीने मैं इस संस्था का डायमंड बनने जा रहा हूँ। आप थोड़ा सा सोचिएगा कि आज जो एक इंसान आज से 2.5 साल 3 साल पहले 25 से 30 हजार रुपये महीना कमाने वाला बंदा आज महीने का 2.5 से 3 लाख रुपये कमा रहा है। ये कहीं ना कहीं मुझे उस टाइम खटकती थी और आज भी खटकती है, लेकिन मुझे उस दिन समझ में आया था। मैं आपको रिसेंटली अभी कुछ कितना ले लूँ, कितना भी कोई भी टाइम का लेकर आपको पहले दिखाता हूँ। पच्चीस सात 2022 2024 में लीजिए, ज्यादा फिर ज्यादा पेज भी मैं लूंगा। देख रहे हैं कितने पेज में आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बहुत सारा पेज, मैंने लिमिटेड लास्ट बहुत सारा, इतना दिख नहीं पाएगा। मैं कुछ समय के लिए लेता हूँ, 2 4 महीने का, ठीक है? ये बात सही लेता हूँ, 12 कर लेता हूँ, यहाँ तो कुछ सीन तो मैंने खुले नहीं। डेट बाई डेट अकाउंट स्टेटमेंट में आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ट्रांसपेरेंसी है, आपको यहाँ पे 1% का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई मैं बताया मैंने इतना कमा रहा हूँ, सच में कमाता हूँ कि नहीं, ये आपको वेरीफाई करना जरूरी है। क्योंकि हम करियर लगाने जा रहे हैं और करियर जब लगाएंगे तो जो इंसान बता रहा है वो झूठ बता रहा है सच बता रहा है, आपको पता होना चाहिए जो मैंने बोला वो मैंने कमाया, ठीक है? मैं यहाँ पे देखिए कोई डेट मैंने डाल दिया है 25/7/2022 से 31/12/2022 का मैंने डेट डाला है। ये 3 पेज में आया है, तीनों पेज को आप देख सकते हैं, इन्हें मैं लास्ट पेज से ही आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? डेट बाई डेट आपको देखिए, आईडी आपका नेम दिखाएगा, अमाउंट टोटल अमाउंट दिखाएगा और कब आया वो दिखाएगा। वीकली मैंने यहाँ पे बताया था ना आपको, वीकली पेमेंट होता है। तो देखिए हम 29/7/2022 दिख रहा है आपको, 29/7/2022 को 4,500 रुपया बना था, उसी सप्ताह आपको देखिए रैंक इनकम आता है 3,60,000 रुपया।
सफायर का आपने देखा था सेम वीक में मैचिंग इनकम और है 7,500 का। फिर आप आइए 11/8/2022 को 19,500। 11 तारीख के बाद फिर अगला डेट कौन सा आएगा, 7 दिन बढ़ा दीजिए, 18 आएगा ना, 18/8। तो आइए हम देखते हैं 18/8 को, 18/8 को देख पा रहे हैं 10,500 है। फिर देखिए 25/8 को 25,000 है। फिर एक सप्ताह बढ़ाइए 1/9 को 36,000 है। फिर एक सप्ताह बढ़ाइए 40,500, 36,500, 36,000, 26,000। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये वीकली पेमेंट यहाँ पे मिलता है, देख रहे हैं 8,500, 16,500, 43,500। चलिए आइए लास्ट पेज, आपको एक पेज और ओपन होगा। यानी आज जो इंसान, एक इंसान महीने का, मेरी आवाज जा रही है सर? जी जी बिल्कुल आपने देखा होगा एक इंसान महीने का 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये कमाता है। आप देख लीजिए वीकली पिछले 2 सालों से कंटिन्यूसली ले रहा हूँ 41,500, 43,500, 26,000, 21,000, 18,000, देख रहे हैं ना, ये आपको वीकली आप यहाँ का अमाउंट है। और कोई डाउट नहीं, एक सप्ताह का पैसा खत्म नहीं होता, दूसरे सप्ताह पैसा घुस जाते हैं। भाई साहब, हम किस दुनिया में जी रहे थे, किस जगह पे जी रहे हैं, आपको समझने वाली बात यह है कि आज के बाद आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। क्योंकि ये डिसीजन आज से ठीक 3 साल पहले मैंने लिया था। मेरी लाइफ में आज बड़ी अचीवमेंट है, आज लाखों की कार को मेंटेन कर रहा हूँ, आज लग्जरी लाइफ को जी रहा हूँ। इसका रीजन क्या है, मैंने जिस टाइम ये कॉन्सेप्ट आया था, मैंने बिलीव किया था। वो बिलीव कैसे, कि चलो मैं मानता हूँ कि अगर जैसा बताया जा रहा है, 99% मैंने सोचा था कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं जिस टीचिंग लाइन में था उसी टीचिंग लाइन में रहूंगा, मेरा कोई, मेरे अंदर जो टैलेंट था, नॉलेज था, वो कोई छीन नहीं सकता। आप जिस जॉब में उसी जॉब में रहेंगे, आप जिस बिजनेस में आप उसी बिजनेस में रहेंगे। लेकिन 1% मैंने बिलीव किया था कि अगर जैसा बताया जा रहा है वैसा सब कुछ हो गया, तो कल को मैं भी महिपाल सर, शिव कुमार सर की तरह बन सकता हूँ। और आज मेरी लाइफ में जो जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, वो सारी चीजें आज हमारी लाइफ में हो रहा है। तो मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप भी, ऊपर वाले आपके डिसीजन लेने में मदद करें। और बस एक बात बोलना जरूर चाहूंगा, जिंदगी में अगर कुछ आप करना चाहते हैं तो बस एक बार पहले इसको करके देख लीजिए, जिंदगी हसीन हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम काम क्या करते हैं, आपने समझ लिया, काम हमारा वही है जो बचपन से लेके आज तक करते आ रहे हैं, लोगों को रिकमेंडेशन का काम। मुझे टी शर्ट अच्छा लगा तो टी शर्ट के बारे में बताया, स्कूल अच्छा लगा तो स्कूल के बारे में बताया, कौन सा डॉक्टर बढ़िया तो डॉक्टर के बारे में बताया। लेकिन आज तक वहां में 1 रुपया का बेनिफिट नहीं मिला। बस आपको अपना दुकान चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना। आपने अपनी दवाई, गैस गैस का, आपको गैस्ट्रिक की समस्या थी, आपने कहाँ से ठीक किया उसको रिकमेंड कर दीजिए ना। आपको और भी कोई समस्या थी, आपने कहाँ से रिजल्ट लिया, बस उसको रिकमेंड कर दीजिए। वो रिकमेंडेशन की वजह से ही आपकी लाइफ में ये सारे अचीवमेंट आने वाले हैं अगले 2 से 3 सालों के भीतर। तो ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पेशेंसफुली सुना। इसमें जितने भी हमारे नए फाइटर्स, नए मेंबर जुड़े हैं इस जूम पे, अभी ज्वाइन है, आप में से किन्हीं का भी अगर कोई तरह का सवाल हो, कोई डाउट्स है, तो मैं अब आप सभी को परमिशन दे रहा हूँ, आप अपना सवाल सामने रख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। मैंने आप सभी को परमिशन दे दिया है। जितने भी हमारे नए मेहमान हैं, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं प्लीज। देवेंद्र सर जूम पे हैं, देवेंद्र सर माइक अनम्यूट करिए आप। जी ललित सर, सर कहाँ है, वीडियो? हाँ देवेंद्र सर, जी सर, सुना सर। ये तो आप ऐसे बोल रहे जैसे लोग कर रहे हैं। यस सर, रिपोर्टिंग सर। यस देवेंद्र सर, बोलिए। आपके जो भी हमारे नए मेहमान आज के जूम पे हैं, अगर किन्हीं का कोई सवाल है तो प्लीज आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ललित सर आप देख लीजिए, है सर ना? आज तो अभी दो ही थे, शैलेश सुरेश जी थे, ठीक है। और मेरा मोबाइल कल चोरी हो गया था, ईवीएम बता दे रहे, कल मेरा मोबाइल भुला गया था, 45,000 के मोबाइल कल गायब हो गया। अच्छा चलिए, बड़े कोई बात नहीं धर्मेंद्र सर। मैं एक्चुअली अब बात आज मोबाइल फिर देवेंद्र लिए सर, हैं, दूसरा तो इस समय बात कर रहे हैं, मोबाइल जो सिम सब चोरी हो गया पूरा कर लिया, 10,000 रुपया भी। कोई नहीं कोई नहीं, सब ऊपर वाले अच्छे के लिए करते हैं, ठीक है, सब सही होगा। हाँ देवेंद्र सर बताएं आप। हाँ सर, मेरे जो पुष्पेंद्र हैं, पंकज जी हैं, और एक दो लोग और हैं जिन्होंने अभी नया ही ज्वाइन किया है,
अगर उनकी कोई भी क्वेरी होगी तो मैं उनसे तसल्ली में पूछता हूँ। अभी उनका कोई भी ऐसा कोई सवाल नहीं है, अगर इस तरीके का कोई भी अगर उन्हें प्रॉब्लम होती है तो मैं पर्सनली आपसे कांटेक्ट करके उस क्वेरी को सॉर्ट आउट बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल ओके ओके थैंक यू बढ़िया। अच्छा छत्रपाल सर भी जूम पे हैं, बढ़िया जरा चेहरा दिखाइए, काफी दिन बाद दर्शन हो रही है। छत्रपाल जी, सर सैल्यूट है आपको। हमारे गुरु जी को तो आप भेज दिए हैं हमारे बिहार हैं। बोलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपका साथ आपका प्यार ऐसे ही बस बना रहे। चलिए जी फाइटर गुरु से जी तो नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। मनीष सर कोई है जिनका कोई सवाल है? अच्छा जी गुरु जी, हमारे फाइटर तो हैं, मुकेश सर हैं और राहुल सर हैं। हाँ तो मुकेश सर राहुल सर आप आपको परमिशन दिया हुआ है, अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई सवाल है तो प्लीज आप कर सकते हैं। कहाँ मुकेश सर राहुल सर? मुकेश कुमार शर्मा करके हैं। अच्छा मुकेश सर तो लग रहा है खाने में बिजी हैं, खा लिए सर?